सो दिस वीडियो इज़ फॉर बी कॉम स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बी आर्ट्स का कॉल लेटर और वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, कोर्स एलोकेशन के मैसेज आ रहे हैं, बी ए सोशल में भी कोर्स एलोकेशन के मैसेज आ रहे हैं, बी एस सी का इवन कोर्स एलोकेशन का मैसेज, और इवन राउंड वन से लेकर राउंड सिक्स तक कट ऑफ राउंड आ चुके हैं। बट बी कॉम से रिलेटेड कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। बट फाइनली आप लोगों को मेन कैंपस के स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी होगी, फाइनली उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होंगे वो कम्प्लीट नज़र आ रहे होंगे, और अब आपको एक रिजल्ट का वेट होगा जिससे आपको अपनी फीस पेमेंट करने का मैसेज आएगा, कोर्स एलोकेशन का मैसेज आएगा। बस एक आप उसी मैसेज का वेट कर रहे हो। लेकिन जिन बच्चों को अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट या प्रीफरेंस लॉक या फिर वेट होगा इस चीज़ का कि हमारा कब होगा, तो आप ये समझ लीजिए पहले मेन कैंपस को, मैंने ऑलरेडी बताया था कि पहले मेन कैंपस को ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद जो बच्चे होंगे उनके एफिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होंगे। तो ये एक बार ही कंप्लीट होने के बाद दूसरी बार भी स्टार्ट होता है, तो ऐसे परेशान नहीं होने वाले हैं आप, वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कोर्स एलोकेशन का मैसेज कैसे और कब आने वाला है। तो कोर्स एलोकेशन का मैसेज आपको आपके पोर्टल पे ही नज़र आएगा, साथ ही साथ हो सकता है कि मेल या मैसेज कुछ भी आ सकता है, बी एच यू एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज भी आजकल से इन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करिएगा, अपने काउंसलिंग पोर्टल को रेगुलरली चेक करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि कुछ दिनों में आएगा, लेकिन वो कुछ दिन और कुछ दिनों में बदल गए, ठीक है, फर्दर आगे एक्सटेंड हुआ। तो जिन बच्चों का आज वेरीफिकेशन कम्प्लीट हुआ है, मे बी कल से आप लोगों को कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ सकता है। मैं एकदम कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन आपको कल से लेकर 2-3 दिन तक आपको रेगुलरली अपना कोर्स एलोकेशन शाम के वक्त में चेक करना है। मोस्ट प्रोबेबली अपने बेड टाइम पर जाने से पहले आपको रेगुलर चेक करना होगा कि अगर कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ जाता है तो उसमें डेट टाइमिंग मेंशन होगी। वो 2 दिन के लिए भी डेडलाइन हो सकती है, वो 1 दिन की भी डेडलाइन हो सकती है, या आपको 4 to 5 days की डेडलाइन हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि वो जो डेट मेंशन होगी कि इस दौरान में आपको फीस पेमेंट करनी है, एक फीस नज़र आएगी रेगुलर फीस, तो आपको एक ही फीस पेमेंट करनी है, दैट इज अराउंड 3000 या 4000। अगर आपको 2 फीस नज़र आती है तो रेगुलर के साथ आपको पीस एक फीस नज़र आएगी, दैट इज पेड सीट, तो आपको दोनों फीस पेमेंट करनी होगी। अब ये चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना, और जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो समझ जाना कि अब आपको एफिलेटेड से रिलेटेड कोर्स एलोकेशन जो भी होगा एफिलेटेड से रिलेटेड होगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप वेटिंग लिस्ट में होंगे। आई गेस अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोर्स अलॉट जब होता है तो मेन कैंपस का पहले होता है, फिर आपको वेटिंग शो होगा, वेटिंग जो बच्चे की रैंक पीछे होगी उनको वेटिंग शो होगा, और ऐसे करते करते एफिलेटेड तक कोर्स अलॉट होता है, और आरजीएससी के लिए भी कोर्स अलॉट होता है। तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो नहीं आए होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। और मेरे से बीकॉम स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि दीदी हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या, हमें तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। तो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स मिलते हैं बीकॉम में फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए, थर्ड ईयर में आपके पास ग्रुप्स हो जाते हैं, और उस दो दो का एक एक सब्जेक्ट नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट आपको लास्ट ईयर में मिलते हैं जिसमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अभी बीकॉम में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको कोई कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आराम से एडमिशन की फ़ीस पेमेंट करना, और फीस पेमेंट करने के बाद पेमेंट का एडमिट कार्ड या फिर पेमेंट का जो मेल आएगी आपको उसको सेव कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। लेकिन जब आपकी क्लासेस होंगी ना तो वो आपको नीड रहेगी, क्योंकि उसमें एक पेमेंट आईडी दी होगी, आपका कोर्स अलॉट होगा तो आपको रोल नंबर मेंशन किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, दैट विल बी द फाइनल थिंग कि आप बीएचयू के स्टूडेंट बन चुके हो, और मेरे हिस्से का लड्डू भी आप आराम से खा सकते हो। होप फॉर द बेस्ट, जल्द से जल्द कोर्स एलोकेशन के मैसेज आ जाएँ, आप सबके जो टेंशन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एडमिशन प्रोसीजर्स का। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ।